हे देयर एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी जुलाई के फर्स्ट वीक की रीडिंग है और ये लव के हवाले से भी हो सकती है और इसमें जनरल मैसेजेस भी इसमें मिल सकते हैं आपको। विदाउट एनी फर्दर डिले, वैसे ही बहुत डिले हो चुका है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। आपके जो आपकी जो मेन थीम है इस वीक के हवाले से उसका कार्ड लेते हैं पहले। व्हाट इज़ द मेन थीम फॉर एक्वेरियस, व्हाट इज़ द मेन थीम फॉर एक्वेरियस इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। सो मेन थीम इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स और इसके अलावा बाकी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू सोर्ड्स कार्ड्स और दोनों ही जो है वो कोर्ट कार्ड हैं, लाइक लोग हैं। थ्री ऑफ कप्स, फर्स्ट सारे कार्ड ले लूँ उसके बाद टू हॉर्न एंड स्टार और अंडरनीथ आपके पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस, आप किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं। इट्स रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, या आपका वर्क भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा वर्क या टीम वर्क पे आप काम कर रहे हैं, या फिर अपनी अगर ये लव रिलेशनशिप के हवाले से देखा जाए तो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है और तीन लोग, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट यहाँ पर तीन लोग जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं, या आप जो हैं अपनी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप जो हैं अपनी मैरिज को पे फोकस है आपका, बट आप कंफ्यूज्ड हैं किसी हवाले से। यू आर, आप जो हैं लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं, कंफ्यूजन है आपको, जगल कर रहे हैं दो लोगों में, शायद दो लोगों में जगल कर रहे हैं आप, और आप जो है अकेला महसूस करते हैं। हो सकता है आप एक पर्सन के साथ हों लेकिन आपको दूसरे पर्सन के हवाले से आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपको लगता है कि आप एक कमिटमेंट में होने पर भी कंफ्यूज्ड हैं और अकेले हैं। एक कनेक्शन है आपके पास लेकिन आप उसमें भी कंफ्यूज्ड और अकेला महसूस करें, आप जगल करें दो लोगों में, क्योंकि आप जो है किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपके पास आए और आपसे बात करे, या फिर आप जो है रश कर रहे हैं किसी के पास जाने के लिए। जो न्यू मून है वो आपके रिलेशनशिप सेक्टर में है, लाइक लियो में। सो जो सेवंथ हाउस, मैरिज हाउस, मैरिज पार्टनरशिप, किसी भी किस्म की पार्टनरशिप हो सकती है, ये पार्टनरशिप है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप वो आप कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं नया किसी के साथ, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और लेकिन वैसे अगर आप पार्टनरशिप के हवाले से देखें तो आप, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा किसी हरी में, किसी जल्दी में, या आप चाहते हैं चीज़ें क्विकली मूव फॉरवर्ड हो इन योर रिलेशनशिप। लाइक ये कॉन्ट्रैक्ट ही हो सकता है कि आप किसी, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, या फिर आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप कोई क्लैरिटी चाहते हैं, आपके माइंड में बहुत से सवाल हैं, बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं, आप उनकी क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं अपने माइंड को, इन कन्फ्यूजन्स से निकालना चाहते हैं अपने माइंड को। आपका माइंड जो है सॉर्ट जो है वो माइंड पे आपकी अफेक्ट करता है, तो कम्युनिकेशन पे भी करता है। तो आप बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। आपके अगर लव लाइफ में कोई कन्फ्यूजन है, आपको कन्फ्यूजन है दो लोगों के दरमियान आप जगल कर रहे हैं, तो आपको इस हवाले से बात करने की ज़रूरत है उस पर्सन से जो कि इस आपके तीन दो लोग जो कि एक साथ आपके या तो आप टू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में हैं। ये फ्यू लोगों की बात कर रही हूँ मैं, सबकी नहीं है, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या आप चाहते हैं आप कनेक्शन बनाना एक पर्सन के साथ, और जैसा कि आपका मैरिज कनेक्शन होता है उसी जैसा कनेक्शन चाहते हैं आप किसी के साथ,
और उसको आप क्लियर करना चाहते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में है उस पर्सन के हवाले से। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिज जैसे सिचुएशन बनाना चाहते हैं अदर पर्सन के साथ, अगर आप ऑलरेडी मैरिज हैं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है। बट यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, लाइक एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जिससे आप डील कर रहे हैं इस वक्त, या फिर आप रेडी टू टॉक हैं, या फिर वो पर्सन आपसे रेडी टू टॉक है, कोई पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है, जिसके साथ आपका कभी रिलेशनशिप हो या था या है, या आपका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है जो क्लियरली आपसे बात करना चाहता है कि वाई यू आर जगलिंग बिटवीन टू, कि आप क्यों दो लोगों के दरमियान जगलिंग करें, आपको क्या कन्फ्यूजन है, आप क्यों इस तरह की, आपने मुझे, या तो वो पर्सन आपसे सवाल कर सकता है कि आपने क्यों मुझे इस तरह से अकेला क्यों किया हुआ है, लाइक आप खुद क्यों अकेले महसूस कर रहे हैं, या आपने क्यों, अगर आप किसी एक पार्टनर के साथ हैं तो वो पार्टनर जो है आपके साथ होते हुए भी लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड महसूस कर रहा है, और आप कन्फ्यूज्ड है इस हवाले से कि वो क्यों, आप क्यों, आपका रवैया ऐसा क्यों है। तो हो सकता है कि वो पर्सन ट्रुथ जानना चाहता हो, कोई पर्सन जो है वो आपसे सवाल करे इस हवाले से, हो सकता है आपके बारे में बातें हो रही हों, या फिर आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हों इस वक्त, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, या फिर आपके हवाले से बातें की जा रही हैं कि आपको अब एक डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर कोई आप दो लोगों के दरमियान जगल कर ही रहे हैं तो आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। आप एक डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर्मिट का कार्ड भी नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली एक वाइज डिसीजन आपको लेना है फॉर समवन जिसके साथ आप जो है, जिसके बारे में आप, जिसके वजह से ये कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से आप जगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका, आपकी रिलेशनशिप में आप इस तरह लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड महसूस कर रहे हैं, और आप कन्फ्यूज्ड हैं, आप उस पर्सन के साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं बट आप नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है दो लोगों में जगल कर रहे हो, या तो वो पर्सन किसी और के साथ है, या फिर आप किसी और के साथ हैं, या दोनों ही पार्टनर जो हैं वो किसी ना किसी के साथ हैं, बट आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, या फिर आपको डिसीजन लेना है, और जब आप डिसीजन लेंगे तो आपकी बिगेस्ट विश जो है वो पूरी हो सकती है। हो सकता है इस मंथ में आप कम्युनिकेट करें किसी से, कोई ट्रुथ सामने आए आपका, आप जो है जिस पार्टनर से आप के साथ आप कमिटेड हैं, या तो आप टोटली उस थर्ड पार्टी को छोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी है, हो सकता है कोई वर्क प्लेस पे हो और आपके फ्रेंड्स में से हो, वर्क प्लेस फ्रेंड्स कुलीग्स उनमें से कोई हो, या सोशल मीडिया पर कोई हो जिसके साथ आपका एक बॉन्ड है, फ्रेंड्स में से, एक्वेंटेंस में से कोई पास पर्सन है जो कि आप, जिसके साथ आप जो है, जिसकी वजह से आप इतने कंफ्यूज्ड हैं और आप रश कर रहे हैं उस पर्सन के पास जाने के लिए, या फिर कोई बात हो सकती है, कोई मैसेज आ सकता है आपके पास उस पर्सन के हवाले से, आप एक कमिटमेंट या डिसीजन बनाने में कामयाब हो जाएंगे इस वीक में उस पर्सन के हवाले से, क्योंकि क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी और हो सकता है वो पर्सन आपसे बात करने को रेडी हो, या आप एक डिसीजन बनाएं कि आप उस पर्सन से बात करेंगे। सो बहुत सी चीज़ें हील हो सकती हैं, या आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है, करंट पार्टनर जो है वो बात करना चाहता हो आपसे, अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, या कुछ कन्फ्यूजन है, वो कोई सवाल आपसे चाहता है, तो वो आपसे ज़रूर सवाल करेगा, और एक फिर उसके बाद एक डिसीजन बनाया जाएगा जिससे आप हील हो सकते हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी उससे। या फिर अगर ये कोई हेल्थ इश्यू है तो वहाँ उसमें भी आपको हीलिंग हो सकती है। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।